देखो अवार्ड बहुत मिलते हैं, लेकिन ये मतलब बहुत मिलते हैं, उन सबकी आदर करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन ये अवार्ड इसलिए ख़ास है क्योंकि ये अवार्ड जो हमें मिला है इसकी असली हकदार जो है वो रीटा हैं, क्योंकि उन्होंने जो 1000 एपिसोड कंप्लीट किए हैं उसमें हमारा योगदान है ज़रूर। उन्होंने सेलिब्रिटीज़ और सारे स्टार्स को जो इंटरव्यू किया है और उसके बाद वो इतना हिट हुआ है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है और हम उसके हिस्सेदार हैं, तो इसके लिए ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत अहम है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि मैं उन 1000 महान हस्तियों में से हूँ हिंदुस्तान भारत की, जो जिसको चुना गया है यहाँ बुलाने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए और अवार्ड देने के लिए। हालांकि टेलीविज़न हमसे ही शुरू हुआ, नेशनल नेटवर्क हम लोग 1984 तकरीबन 40 साल, लेकिन अब आज भी अगर हम इस लायक हैं कि हमको बुलाया जाए, सम्मानित किया जाए, या मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, तो वो मैं ऑडियंस को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और रीटा को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये उसकी भी अचीवमेंट है। देखो डिफरेंस दौर का नहीं होता है डिफरेंस, हाँ मतलब कहने का है कि जब हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से शुरू हुए और नेशनल नेटवर्क पे जो टीवीज़ थे वो बॉक्स टीवीज़ थे, तो उसमें और अब में तो बहुत फ़र्क है। मैंने अभी स्टेज पे भी यही बोला कि जब हम लोग शुरू किया था 1984 में, तब ये नहीं सोचा था कि टेलीविज़न यहाँ तक आ जाएगा और हम जीते जी उसका हिस्सा भी बनेंगे। डिजिटल तो ठीक है, लेकिन अब जो जिस हिसाब से टेलीविज़न मोबाइल्स पे आ गया है और मोबाइल से मतलब आप नेटवर्क देखिए, तो ये सब हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हमने सोचा था टेलीविज़न, और ये था कि हम लोग अगर हिट हो जाता है तो ये दौर शुरू होना था। और प्रभु की कृपा है, मनोज श्याम जोशी जी के लेखन और पी कुमार वसुदेव साहब का निर्देशन और दूरदर्शन की भेंट, जिसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमें भी स्टार बनाया और टेलीविज़न को यहाँ तक मकाम दिया। राजेश भूरी जी ने क्या खोया इंडस्ट्री में और क्या पाया? भाई खोया तो कुछ नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे तकरीबन 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस प्रोफेशन में काम करते हुए। 200 प्ले किए हैं, 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे दी हैं, 125 के करीब सीरियल किए हैं, 150 फिल्में की हैं और भी बहुत काम किया है, तो निर्देशन में भी रहा, प्रोडक्शन में भी रहा, तो इसके अलावा मुझे और कुछ काम आता नहीं है। और इस काम में जो मुझे मज़ा आता है उसके अलावा किसी और में आता नहीं है, तो मैं यही जानता हूँ कि मैं मरते दम तक बस यही करूँगा और प्रभु से यही कृपा है कि आखिरी सांस करते हुए भी यही काम करते हुए जाऊँगा। कोई ऐसा कैरेक्टर जो तमन्ना हो और नहीं कर पाए या देखो कैरेक्टर जो मैंने यादगार कैरेक्टर हैं उनका तो शुक्रिया अदा, और वो मेरे यादगार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे नाम दिया, मकान दिया। लल्लू हम लोग का, चार्ली चैपलिन एड फिल्म्स का, मुंशी बुनियाद का, और परवरिश सीरियल में जो नानू बना, और जो बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने जो मेरे लैंडमार्क बने हैं, जाने भी दो यारों जैसी फिल्में भी कीं और होगी प्यार की जीत जैसी कमर्शियल फिल्में भी कीं, दिल जैसी पिक्चरें कीं, तो सब कुछ कर लिया है। हाँ थिएटर में जो मैंने अलग अलग रोल किए उसमें मैंने नेगेटिव भी किए थे जो आज तक नहीं मिले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि कभी उस पर भी लोग आजमा लें तो खरा ही उतरूँगा। ऑडियंस को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 3 जनरेशन से लोग मुझे देख रहे हैं। पहली जनरेशन ने तो बेहद प्यार किया, दूसरी ने भी प्यार किया, तीसरी भी पहचानती है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जनरेशन भी मुझे उतना ही प्यार दे जितनी मेरे टाइम की जनरेशन ने मुझे दिया था। उपलब्धि मेरी नहीं है, उपलब्धि उन लोगों की जिन्होंने मुझे काम दिया है, मुझे यहाँ टिका के रखा। हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अच्छे एक्टर होने के अलावा अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लंबा भी चलेंगे और अच्छा भी करेंगे। थैंक यू। और इन्होंने जो एक अपनी धगस लेकर, अपने एक जिद लेकर जो आगे बढ़ी हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली बॉम्बे में आना, बॉम्बे में अपने आप को नोटिस करवाना और सेटल होना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। आई थिंक इट इज यूनानिमसली फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच। और कुछ आने वाला है?
सर आज ही मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है लो मैं राज कपूर बन गया। आज ही वहीं पर जा रहा हूँ, अभी प्रीमियर पर जा रहा हूँ। बाकी काफ़ी फिल्में लाइन अप हैं, मोहित राणा साहब के साथ एक फ्री लांसर करके हैं, उसके बाद एक कफास करके हैं, उसके बाद अभी एक फिल्म गुजराती फिल्म मैंने साइन की है तो पॉसिबली आई विल बी फ्लाइंग ऑफ, और रॉकी और रानी की लव स्टोरी करण जौहर वो अभी एक आ रही है, लो बन गई फिल्म करण जौहर की, और एक फिल्म है संजय सिंह जी की वो एक आ रही है। तो छोटा मोटा काम करते रहते हैं, लेकिन अच्छा मैं ऑडियंस से यही कहूँगा सर कि सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए एक सच्चे मन से काम करना पड़ता है, हम लोग सच्चे मन से काम करते हैं। कलाकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कलाकार केवल कलाकार होता है। तो आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहिए, हमारी फिल्म्स देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आरडी सोफी ने मुझे बुलाया और मुझे अवार्ड देकर नवाजा, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं आरडी को तहे दिल से ऑल द बेस्ट। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम रिट्स दी को, रीटा दी को 1000 एपिसोड्स कंप्लीट होने की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं शो के एकदम स्टार्टिंग से ही मैंने शो को देखा है, पहले 100 एपिसोड, फिर 300 एपिसोड, 500 और फिर ये 1000 का माइलस्टोन। रीटा दी ट्रूली बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने शो लोगों को इंस्पायर करने के इससे स्टार्ट किया था ताकि लोगों को कोरोना काल में मोटिवेशन मिले, और आज वो खुद काफ़ी लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। सो बस यही कहना चाहूँगा रिंकी को कि आगे और ऐसी कार्य करते रहें, और अब तो ये 1000 कंप्लीट किए हैं, जल्दी ही 2000, 3000, 10000 तक भी ये जो उनके एपिसोड्स हैं, ये रिकॉर्ड हैं, ये जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, रीता को, रिड्स डाइन दरियल को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोविड महामारी के कठिन समय में पूरे हिंदुस्तान का, क्या विश्व का मनोरंजन किया, हम जैसे सेलिब्रिटीज़ को बुला के इंटरव्यू करके, साक्षात्कार करके लोगों से हमारा परिचय कराया, हमारी बातें सुनाई, और जिस ज़माने में घर में सब लोग बंद हो गए थे, बाहर निकलना मुश्किल था, ऑनलाइन फेसबुक पे, यूट्यूब पे इसे प्रसारित करके जन जन तक हमारी बात पहुंचाई, सबका मनोरंजन किया। मैं रीता रिड्स डाइन डेरेल को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। अभी उन्होंने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कई हज़ार और एपिसोड्स को बनाएं और निरंतर कीर्तिमान स्थापित करते रहें। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये अवार्ड हमको मिला है। मैं रीटा जी को जानता हूं, वो हमारे ऑफिस आई थी और उन्होंने कहा थी कि 1000 एपिसोड्स हुए हैं इसके शो के, इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई। और आज शिमला से आकर उन्होंने जो बम्बई में इतना बड़ा शो किया है, इतने सारे एक्टर्स को फेलिसिटेट किया है जिसमें हमारा भी शुमार है, उसके लिए हमको बड़ी खुशी होती है। हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि वो इसी तरीके से नए नए कीर्तिमान बनाती रहे। धन्यवाद। सबसे पहले रिस्ट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं इसका हिस्सा बन पाई कि 1000 लोगों का, इन्होंने पूरे भारत से इतने लोगों का इंटरव्यू किया और उसमें से मैं एक हूँ, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। इसका जो स्लोगन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बहुत ही खूबसूरत है, जिससे हर आर्टिस्ट को प्रेरणा मिलती है। और ये इस सम्मान के लिए थैंक यू, ये सम्मान मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कोशिश बहुत बढ़िया है, और खासकर रीटा ने जो किया है, पहली बार कुछ किया है और इतना सक्सेस हुआ है, इसके लिए मैं उसको तो बधाई देता ही हूँ। साथ में जितने भी ये है 1000 पीपल, वो भी और बहुत बहुत बधाई। बस ऐसे ही हमारा ये इंडस्ट्री चलती रहे, ऐसे ही आप कार बांटते रहिए, यही मेरी सबसे आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आई विश माई बेस्ट विशेस टू आर डी शो for this lovely effort. Thank you so much. God bless. धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज आप?
सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा रिट जी को कि 1000 एपिसोड किसी भी टॉक शो के मेरे ख्याल से किसी ने पूरे नहीं किए। बहुत मेहनत का काम है इतने सारे लोगों को जोड़ना, उनसे लगातार बातचीत करना, लगातार ये करते रहना और 1000 एपिसोड तक पहुँचना। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक मोमेंट्स का मैं हिस्सा हूँ और मुझे सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है ये जो स्लोगन है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, इसी थ्योरी पर मैं भी लगातार काम करता हूँ कि जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं और अपने कर्म में विश्वास रखते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। मेरे ख्याल से हर आदमी को ये स्लोगन जो है ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जिन लोगों को भी आज बुलाया गया, पुरस्कृत किया गया, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और ये सिलसिला चलता रहे, बस यही कहना चाहूँगा। मैं रिट जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान के लायक समझा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा RDD टीम को, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1000 एपिसोड पूरे करके। एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि उन 1000 एपिसोड्स के इंटरव्यू का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो उन 1000 एपिसोड्स का हिस्सा होना अपने आप में एक गर्व की बात है और सारी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये अवार्ड लेकर, और ये सम्मान है, मिलना जुलना है। इतने प्यारे सारे कलाकार हैं जिन सब लोगों के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, तो एक मुलाकात का जरिया बन गया है। एंड थैंक्स टू रिट्स फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट। तो मैं रिट्स को इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कीप डूइंग दिस, कीप मूविंग अहेड, शाइन ब्राइटर एंड गो अचीव द ड्रीम्स दैट यू हैव। लाइक उनकी ही कही हुई बात है, रिपीट करना बनता है और एक मंत्र की तरह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सुबह उठ के अगर इंसान ये 10 बार बोलेगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉजिटिव बात होगी आज के ज़माने में। और बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा एक सोच है इसके पीछे, एक पॉजिटिव माइंडसेट है। सो सारे पॉजिटिव लोगों को शुभकामनाएं। और इन सारी पॉजिटिविटी के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जाइज महसूस हो रहा है। थैंक्स अ लॉट। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मीडिया वालों आप सबको हाँ जी ठीक है, चलिए एक मिनट सर। वेल काम मैं सुनाता हूँ, एक डायलॉग जरूर सुनाता हूँ आपको। ठीक है, लाइए 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 लाइए। वेल आपसे मिलके लगा मन बड़ा अच्छा इसका, पसीना अगर मिसी रोटी है मैं हूँ पराठा लच्छा इसका, हू द यू द आर इसका, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इसका, कैरी ऑन। थैंक यू। और अपना ये आज 1000 एपिसोड हो गए हैं रिट्स के, रीटा शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था फिर मैं कोशिश करके टाइम पर पहुँच ही गया था। बाकी आप सबका, मीडिया का और ये अवार्ड जो मुझे चाहने वाले हैं उन सब के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइफोग्राफी में फिल्म मेकर एंड आई मेड मोर देन 1000 एपिसोड ऑन द यूट्यूब, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम ऑनर बाय रिज एंड शी अप्रोच मी एंड आई लाइक द आइडिया एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू हेल्प हर। थैंक यू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय। हाय, बहुत ही अच्छा लग रहा है RDD के इस कामयाबी पे।
1000 एपिसोड करने पे पैंडेमिक में रिट्स ने ये शो शुरू किया और जाने माने कलाकारों से, हस्तियों से, सभी के घरों में उनसे उनको रूबरू कराया। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वाकई ये सही है। हम कहते हैं ना, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस, वन डे यू विल फाइंड प्रैक्टिस हैज फिनिश्ड एंड यू गॉट योर टारगेट, यू अचीव योर टारगेट। सो रिट्स ने भी यही साबित किया है। वो बहुत अच्छी गिटारिस्ट हैं, गाती हैं और शिमला से आती हैं, पहाड़ों में, वहाँ के खूबसूरत वादियों से। वैसे ही सॉफ्ट उनका नेचर है, प्यारा सा नेचर है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस RDD शो की 1000 एपिसोड्स पूरे किए और हम सभी को आज मुक्ति हॉल में बुला के इसको रिकॉग्नाइजेशन दी। बहुत बहुत बधाई रिड्स आपको, थैंक यू वेरी मच। अपना एक शेयर सुना रहा था, वो भी आपको भी, मीडिया को भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, हर रात में ही चांद निकले ये ज़रूरी तो नहीं, खेल में हर बार जीते ये ज़रूरी तो नहीं, दूसरों के तजुर्बे भी काम आते हैं हुजूर, ठोकरें खाकर ही संभलें ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारक। नहीं, ये जब भी कोई लड़की एपिसोड 1000 ये बताया जा रहा है प्रोग्राम का, और इसका टाइटल रखा है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और ये मुझे पहली मरतबा मिला है, और ये अवार्ड में मैं पहली मरतबा आया हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और रीटा जी जो हैं, जिसकी इसकी ऑर्गेनाइज़र है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। वो ऐसी हिम्मत करती रहती है, ऐसे हम सब कलाकारों को बुलाती है और समय समय पर उनका मान सम्मान बढ़ाती है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ख़ास करके मीडिया को भी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम लोगों को ये अवार्ड मिलता रहता है। बस आशीर्वाद देते रहिए, ऐसे हम मिलते रहे। नमस्कार, मैं हूँ विवेक प्रकाश, एक गायक और एक संगीतकार, और आज हम सभी आप सबके माध्यम से रीटा शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाइयां देना चाहते हैं। उनके शो का 1000वां एपिसोड भी टेलीकास्ट हो चुका है, यानी कि इस शो के 1000 एपिसोड हो गए। और उन्होंने जो एक काम शुरू किया था लगभग 2.25 साल पहले, वो अब इस मकाम पे पहुंच गया। तो मैं आपको ये ट्रॉफी दिखाता हूँ, इसमें 1000 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी इनके शो के आगे ये 10 और बढ़ जाए और 10,000 इसके एपिसोड्स हो जाएं। और मैं रीता के लिए 2 लाइनें गाता हूँ कि ए काश रीता शर्मा से अनबन कभी न हो, सुना उदास आपका जीवन कभी न हो, सबकी यही दुआ है शतक पर शतक लगे, सबकी यही दुआ है शतक पर शतक लगे, ऐसे समारोह का समापन कभी न हो। तो ऐसा शो हमेशा चलता रहे और हम सबके जीवन में इसी तरह से खुशियां बिखेरती रहें। बहुत जैसा कि उनका टैगलाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आज के ज़माने में 1000 एपिसोड्स हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक फ़ीमेल एंकर हैं जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू लेती हैं और लोग जाते हैं उनके पास इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बड़ी बात है। सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तेनालीरामा तो सब जानते हैं, तेनालीरामा के 4 साल पहले तक मेरे पास काम नहीं था। मैं 4 साल बिना काम के बॉम्बे में बहुत बुरी हालत में था, स्ट्रगल कर रहा था, पर कोशिश जारी थी और उसी कोशिश ने फिर मुझे तेनालीरामा दिलाया और आज जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है वो उसी कोशिश की वजह से है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इसी तरह कोशिश करते रहें और अच्छे अच्छे एक्टर्स से मिलते रहें। मैंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे वो देखी कि वो सारे एक्टर्स हैं जिनको शायद लोग भूल चुके हैं इंडस्ट्री में, और वो सारे एक्टर्स अंदर बैठे हैं जो अपनी अपनी लाइन पे दिग्गज थे, जो आजकल शायद कम दिखते हैं लेकिन अपनी जगह पे बहुत ही मजबूत एक्टर्स रह चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रीटा जो है वो उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। थैंक यू सर। रीटा शर्मा जो हैं, इन्होंने 4 महीने पहले मुझे शिमला से फ़ोन किया था कि केशव जी, मुझे मुंबई में इसके 1000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं,
इसका एक कार्यक्रम करना है, सबको सम्मानित करना है। तो मैंने इनको मुक्ति ऑडिटोरियम बताया और यहाँ के बारे में सब कुछ बताया, फिर लोगों से ये मिली और आज ये जो कार्यक्रम में जिस तरह से सम्मानित कर रही हैं कलाकारों को और समाज में जिनका योगदान है, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको आज सम्मानित किया, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या कई जगह बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं उसी तरह का लग रहा है ये, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, इनको बधाई हो। जी जी, तो ये इन्होंने जो इस शीर्षक को जो रखा है वो उन्होंने अपनी बात बताई कि वो शिमला में जैसे पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, तो वो एक जब 3 साल की थी तो वो जंगल में निकल गई थी और रात तक घर नहीं पहुंची थी। घर वाले चिंतित थे कि कहीं शेर वेर या जो भी कहीं पर हमला नहीं कर दिया, कोई दुर्घटना नहीं हो, और ये रात को 2 बजे घर पहुँची। तो उसके बाद इनको मन में आया कि मैंने जो प्रयास किया, हिम्मत की, और मैं सकुशल अपने घर लौटी हूँ, तो ये मेरी हिम्मत है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं आ रही, तो इन्होंने ये शीर्षक रखा। और बाद में जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आए तो ये सफलता होती थी, तो ये शीर्षक रखा। क्या शुभकामना देंगे मैम को? सर शुभकामना देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये अच्छी प्रेरणा स्रोत है कि जिस तरह से लोगों को सम्मानित कर रही हैं तो इनसे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जीत होती है। हाँ, अवार्ड मिलना, सम्मान मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है, जो हर किसी कलाकार को चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं, बस अभी कुछ थोड़ी सी एक घटना भी घट गई है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी पता करें कैसा है सब। बाकी मेरी रिट्स को मेरी ढेरों अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और हर साल खूब बड़े बड़े अवार्ड करें। RDD का पहले मैं आपको थीम बता दूँ। RDD रिट्स डाइम जर्नल है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है रीटा शर्मा जी की तरफ से, जो शिमला से आई बच्ची है, और एक छोटी सी बच्ची इतना दम रखती है एक इतने सितारों को एक साथ एक मंच पे लाने का, वो है रीटा शर्मा। और मैं इरम से एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर होने के नाते मैं उसको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि उसकी थीम है, उसका नाम है उसमें कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो सच में उस बच्ची ने वो करके दिखाया है। आज उसका शो है तो मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ, इरम से एंटरटेनमेंट का हमेशा सपोर्ट था। और शिमला से चल के इतनी दूर से लड़की कोई आती है तो हम सबका फ़र्ज बनता है कि उसके साथ खड़े होने का, वही मैं कर रही हूँ। और इस शो की थीम आपको बताना शायद ही पता होगा, डाइम बैग डरल करके एक बहुत बड़े गिटारिस्ट थे, तो उनके नाम पे उनको ट्रिब्यूट है ये शो। सो गुड लक रीटा, एंड 1000 एपिसोड तुमने पूरे किए हैं, तुम 1000 क्या, तुम 10,000 अभी एपिसोड्स पूरे करोगी और बहुत आगे जाओगी। एंड तुम्हारी सिस्टर यानी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे से जो हेल्प मिल गई जो भी है, डेफिनेटली वी आर ऑन वन रूफ। और मैं कहती हूँ RDD शो जैसा होता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े शोज आते हैं हम सबको सपोर्ट करने के लिए। एक लड़की कोशिश कर रही है जिसका थीम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद उसकी उसमें मेहनत दिखती है और मैंने वो लगन देखी है, और ये बात सच है, फिर से बोलूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी हार नहीं हुई, आप पीछे देख सकते हो इतना बड़ा हुजूम है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट से नवाजा गया है, इतने लोग आए हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू माई मीडिया। अरे नमस्कार, मैं ममता सक्सेना कानपुर से हूँ। आज इस शो में मैं इरम फरीदी जी की वजह से यहाँ खड़ी हूँ। RDD शो को बहुत बहुत थैंक्स, इरम फरीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स, और आने वाले समय के लिए मैं यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये शो 1000 नहीं 1,00,000 1 करोड़ और उससे भी ऊपर शोज करे। सो थैंक यू सो मच। पहले तो RDD के इस 1000 एपिसोड के लिए मैं रिट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे ये उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए और ये देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि जब रिट्स ने मुझे लॉकडाउन के समय में कॉल किया और जिस तरह से अप्रोच किया
बहुत ही प्यारा मतलब सॉफ्ट वे में, जिसको कहते हैं इस समय, क्योंकि ऑलरेडी उस समय लोग किसी और थॉट प्रोसेस में थे, क्राइसिस में चल रहे थे, इतना बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो था सबको पता है, उसमें ये जो शुरुआत की उन्होंने, और सबसे मेन चीज़ जो टाइटल था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इसमें वाकई उस समय के लिए ये एक रामबाण का काम था। और कितने स्ट्रगल्स के लिए, बहुत सारे हर तरह के फील्ड के लोगों को उन्होंने टच किया, और लोगों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला, और अपनी बात कहने का और सुनने का और लोगों के साथ जुड़ने का, ये बहुत सराहनीय कार्य किया, और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की चीज़ें लगातार उनके एपिसोड्स और बनते रहें, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही मेहनती, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और इतने प्यार से एज ए एंकर जो बात करती हैं, और मतलब वाकई काबिल तारीफ है रिट्स के लिए। थैंक यू सो मच। आरडीडी शो के 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बहुत मुश्किल होता है 1000 एपिसोड एक एक घंटे के कर देना, और भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो शिमला से आया हो, छोटे शहर से आया हो, बॉम्बे में अपना मुकाम हासिल करने, और उसने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के, बिना किसी मतलब करोड़पति हुए कोई पैसा भी नहीं, अपनी अच्छी नेचर और अपने अच्छे टैलेंट के बेस पर उसने ये मुकाम हासिल किया है। तो रीटा को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उन सारे पार्टिसिपेंट्स 1000 लोगों ने जिन्होंने इंटरव्यू किए हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने उनको एक आहुति थोड़ी सी दी, थोड़ा सा हेल्प किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा अकेलापन हो जाता है, शहरों में कोई मिलता नहीं है, अगर सही टैलेंट हो तो उसको ऊपर उठाना। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आज का जो शो हुआ है बहुत ही हाउसफुल, एकदम इतने सारे आर्टिस्ट एक जगह पर इकट्ठा थे और हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम होता है जब सारे आर्टिस्ट एक जगह इकट्ठे हों, और हर जितने भी लोग थे उतनी कहानियाँ, उतनी फिल्में, उतने आप क्या कहेंगे बायोपिक, उतनी बायोपिक यहाँ घूम रही हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अपना उसका स्ट्रगल है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसका टाइटल है एपिसोड के इनके, और कोशिश करने वाले ये सारे लोग हैं, और एक एक बंदे के पीछे एक एक कहानी, एक एक फिल्म, एक एक नॉवल, एक एक गाथा छुपी हुई है। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर के, और मैं रीटा को भी बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। 1000 से 2000, 5000, 10000, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। देखिए, ये जो आरडीडी शो है बहुत ही कमाल हो गया, और चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल जो विषाक्त काल पूरी दुनिया पे आया, और सब कोई घर में थे उस समय, डिजिटल ने अचानक एक हंगामा किया कि घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते थे आप, और इस तरह के शो शुरू हुए, तो उसी में रीटा ने भी शुरू किया आरडीडी शो नाम से, रीड्स डाइम ड्रेल के नाम से, तो बड़ा बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा ये रहा। लेकिन हमें पता नहीं था, जो हमने तो शोज़ बहुत किए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अचानक इस तरह का कुछ होगा, 1000 एपिसोड पूरा होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी ये, और बम्बई में इतना बड़ा सेलिब्रेशन होगा कि जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिन जिनका इंटरव्यू किया था इन्होंने, और जिनकी जीवन यात्राएँ लोगों को बताई थी, उन सबको जोड़ना वापस बम्बई में आके शिमला से, ये बहुत बड़ी बात है, और सबको सम्मानित करना, सबको सम्मानित करना, एक सर्टिफिकेट देना, एक ट्रॉफी देना, तो मेरे पास अभी नहीं है, नहीं मैं दिखाता कैमरे में, और अद्भुत अद्भुत अपने आप में ये, मतलब मैं तो समझ रहा था कोई बहुत ही अनुभवी महिला है, लेकिन ये तो एक छोटी सी बच्ची, मैं जब मिला आज, मैं भी पहली बार मिला, और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ इस कोशिश का, यानी कि शो का नाम भी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह का एक मैनेजमेंट, एक इवेंट करना चाहती थी, और इनके साथ लोग जुड़े, स्पॉन्सर जुड़े, और अपने आप में बहुत कमाल बात है कि मतलब सबने योगदान दी, ट्रॉफी वाले ने अलग योगदान दी, मिस्टर जोशी ने, डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बड़ा अच्छा सहयोग किया, इनको स्पॉन्सर किया, एरम ने अपना सहयोग किया, इस तरह से जितने लोग हैं और भी काफ़ी लोग हैं, सबका नाम नहीं जानता मैं,
तो ये लोगों ने सहयोग किया और ऐसा आज मुक्ति भवन में आज जो थिएटर है ऑडिटोरियम है चार बंगले में यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग इसीलिए आए कि कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा इस तरह से कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, और भी छोटे शहर से ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आके बम्बई में अपना झंडा गाड़ना, तो ऑल द बेस्ट रिट्स रीटा, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, समृद्ध होइए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और ऐसा कार्य और आगे करते रहिए, आरडीडी शो और आगे बढ़े। अवार्ड बहुत अच्छा लगा और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं जब 5 ईयर्स का था तब से एक्टिंग स्टार्ट किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कुछ कर रहे हो? अभी मैंने 100 एड्स कंप्लीट कर लिए है और मैं 4-5 सीरियल्स कर रहा हूँ और मैं एक मूवी भी कंप्लीट किया हूँ, हंगामा 2। कहते हैं ना कोशिश करने की हार नहीं होती है, सच में कोशिश करने की हार नहीं होती है, वो इसने प्रूफ कर दिया। वैसे एक और इंसान को जानते हैं जो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बहुत सीरियसली मानती है, वो एरम फरी थी। आप भी शायद जानते होंगे, बहुत टाइम से हम साथ में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए बहुत टाइम से, एंड आई नो फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, तो उसी के थ्रू आज मैं यहाँ पे हूँ। और सेकेंडली ये जो आरईडी शो हो रहा है उसमें आई एम अवॉर्डी ऑल्सो फॉर दिस इवेंट, एंड मैं उनके एपिसोड में मैंने फीचर भी किया है एज नो एज अ गेस्ट दिस थिंग फॉर द अपीयरेंस के लिए। बाकी आई से जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरडीडी शो कि 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 करते रहे, होते रहे, बस ऐसे हम इवेंट का सक्सेस करते रहे। बेसिकली मैं आरडीडी शो के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई भी अगर बहुत ही कंसिस्टेंट काम करता है ना, अगर आप 1,000 एपिसोड कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अच्छे हैं, आप अपने काम में माहिर हैं, आपके इक्वेशन इन द इंडस्ट्री अच्छे हैं और लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट और मानते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू द आरडीडी शो एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही आगे जाएगा और बहुत ही ज़्यादा शोज आपको दिखेंगे और बहुत ही बढ़िया कलाकार होगा। बेस्ट विशेस टू देम, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट रिट्स फॉर द शो, फॉर दिस आरडीडी शो, लाइक दे आर होस्टिंग इट एंड ब्यूटीफुल थिंग दे हैव डन, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने और ये कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती, इट्स अ वेरी गुड थिंग दे हैव डन और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हम सबके लिए बड़ा अच्छा मौका है बिकॉज हमारी बहुत बड़ी वेब सीरीज फातिमा रिलीज हो रही है अभी रिसेंटली अमेजोन और एमएक्सप्रेस किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट्स सी, थैंक यू सो मच। देखिए एक बहुत ही खास मौका है, एक मतलब 1,000 एपिसोड पूरे किए रीड्स ने, आरडीडी शो ने, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी गुड विशेस हैं कि वो इसी तरह आगे काम करते रहें, बस यही दुआ है मेरी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तीनों, मेरे हस्बैंड नीरज जी, मेरा बेटा नानक और मैं एक ही स्टेज पे हम लोग अवार्ड ले रहे थे, तो मेरे लिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत अवार्ड्स लिए हैं लाइफ में लेकिन अलग अलग लिए हैं, नीरज जी ने अलग लिए हैं, मैंने लिए हैं, नानक ने मुझसे ज़्यादा अवार्ड्स नानक के पास हैं, तो लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक ऐसे स्टेज पे गई जहां हम तीनों को अवार्ड मिला। क्या क्या कर दिया जी 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 नहीं, वो बहुत मेहनती लड़की है और जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो तब मेरे पास, मैं शूटिंग्स में बिजी थी तो वो लगातार मुझे कॉल करती रही और बोलती रही कि आप प्लीज़ हमें कोई टाइम दीजिए, तो मुझे 5-6 महीने लग गए थे वो करने के लिए, लेकिन जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू की तो नीरज जी ने भी की उनके साथ इंटरव्यू, नानक ने भी की और हमें बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खूबसूरती से इंटरव्यू लेती हैं, मुझे अच्छा लगा। मैं तो बस इस चैट शो को जो इन्होंने शुरू किया है रिज, बस उसे ऑल द बेस्ट कहूँगा, मैं अपने दिल से बस आशीर्वाद दुआ दे सकता हूँ कि और आगे बढ़े और वो मेहनत करे, और ये बड़ा अच्छा और नया सौभाग्य है जैसे कि उपासना ने कहा कि ऐसा नहीं होता है जनरली कि कोई एक यूट्यूब में शुरू करता है कोई एक चैनल और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचता है कंसिस्टेंसी के साथ, और इसने जो किया है ये वाकई काबिल-ए-तारीफ़ है, हम
विश करते हैं कि बहुत आगे बढ़े और उनकी तमन्नाएं पूरी हों। देखिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, जैसा कि उन्होंने बोला कि उनके साथ मैं स्टेज पे रह के उनके साथ अवार्ड एक्सेप्ट कर पाया, तो मैं काफ़ी, मुझे लगता है कि आज मैंने जो मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था जब मैं 5-6 साल का छोटा सा बच्चा था कि मॉम मैं एक दिन ज़रूर स्टेज पे आपको ज़रूर प्राउड करूँगा, मेरे को भी अवार्ड मिलेगा जैसे आप इतने सारे लेते हो, मेरे को भी एक दिन चाहिए होगा, तो मेरे को लगता है आज वो दिन है। और जहाँ तक कि मैं शो की बात करूँ, बहुत बढ़िया शो गया। और रीता मैम, जिनके पोस्टर पर मैंने देखा कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो वो अपने हिसाब से एक बहुत ही बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मज़ा आया आज के शो में। और मैं आपको एक बात नानक के बारे में और बताना चाहती हूँ कि जैसा आपने देखा ही है, उन्होंने चलाया बाईजी कुट्टन की, उसकी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और अभी उसकी सेकेंड फिल्म 30 मार्च को रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है यारा दियाँ पौबारा, उसमें भी नानक एज हीरो आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं दोनों, उसी में नानक जो है वो आ रहा है। और एक और बात बताऊं कि मेरे घर में जो मेरी अलमीरा है जिसमें मैंने अवार्ड्स अपने लिए रखे हैं, उससे डबल में नानक के हैं। जी सर, अभी फ़िलहाल तो पंजाबी में एज मतलब लीड रोल मेरे को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही है मेरे को, बट ऐसा नहीं है, मेरे को सारी, जैसे कि मेरी मम्मी जी ने काम किया है इस इंडस्ट्री में, गुजराती में किया है, मारवाड़ी में किया है, भोजपुरी में किया है, हिंदी में किया है, तो यही मैं इनसे यही सीखा है कि अगर मैं आगे जाके काम करूँगा अभी, मेरे को एक्टिंग नहीं छोड़ना है, लैंग्वेज चाहे कोई भी, एक्टिंग करनी है और वो कहीं भी हो सकती है। मैं सबसे पहले रीटा शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर, और उन्होंने 1000 एपिसोड पूरे किए चैट शो में, जो कि बहुत खुशी की बात है। स्टार्ट तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ तक लेके आने में जो मेहनत लग की उन्होंने, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, तो कॉन्ग्रेचुलेट टू हर। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आज 1000 हुए, मैं चाहता हूँ 1 लाख तक पहुँचे। मुझे कई बार उन्होंने इंटरव्यू के लिए बोला, मैं शूट की वजह से कर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इस इवेंट के लिए मुझे बुलाया कि आप इवेंट पे आ जाओ, तो मैंने भी उनको बोला कि मैं डेफिनेटली मैं 3-4 दिन में इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो उसमें अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किया और वो आगे बहुत अच्छा करें। ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हूँ, और सोशल सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को, इधर आ जाओ प्लीज़, और यहाँ पर ये हमारी पार्टनर हैं मल्लिका गई, जिनके साथ में हमने अभी फिल्म बनाई है कॉल मम्मी पापा, एक सोशल मुद्दे की फिल्म है जहाँ पर हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से जब पेरेंट्स बड़े बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को कैसे निकाल देते हैं, तो सोशल इशू पर फिल्म है, मैंने और मेरी वाइफ ने काम किया इसमें। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? वेल, सबसे पहले तो मैं RDD शो का धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो इन्होंने रिट्स को शुभकामनाएं, इरम को शुभकामनाएं हैं ये पूरा अरेंज करने के लिए। और अच्छा लगता है जब एक कलाकार को उसके काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है, सराहना मिलती है, तो अच्छा लगता है अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, और प्रोत्साहन भी मिलता है कि आगे और हम कंटिन्यू काम करते रहें अच्छा। और जैसे कि आशुतोष जी ने जिक्र किया कि हम लोग ने अपना एक चैनल शुरू किया है MS सिनेमा यूट्यूब पे, तो उसमें हम लोग सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ बात को कहे जाते हैं। हमारी फिल्मों को 140 अवार्ड्स मिले हैं नेशनली इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल्स में और मुसलसल ये कोशिश जारी है, उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह की चीज़ें बनाते रहें और लोगों को पसंद आए। और इरम को और रेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही शोज करते रहें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। RDD शो को 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए और सेलिब्रेशन ऑफ 1000 एपिसोड है, हम लोग रीटा जी से जुड़े हुए हैं इरम संजयमेंट के थ्रू, इरम फरीदी जी के थ्रू, और मैं रीटा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस पर, और बहुत ही मेहनत कर रही है और एक मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वो जो डायलॉग है वो उन पे जाता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। उन्होंने कुछ एक एपिसोड शुरुआत की थी, आज 1000 तक पहुंच गया, अभी और भी चल रहा है आगे, तो ऐसे एक कहते हैं ना, उन्होंने एक मुहिम की, उसके वजह से आज लोगों को तो वो इन्वॉल्व हो रही है, कम्युनिकेशन होना कनेक्टिव हो रही है, लोग जो घर में कुछ ऐसे लोग थे एपिसोड्स में आए हुए थे जो एकदम डरे हुए थे, संभाले हुए थे, जिनको कुछ
प्रेरणा चाहिए हुई थी, तो इंटरव्यू देके उनका दर्द खुला, लोगों ने दर्द बांटा इसके थ्रू, लोगों ने दर्द सुना अपना, लोगों ने अपने तरफ से बहुत हेल्प करने की कोशिश की। तो समाज में जो दुखी लोग हैं या कोई परेशान ये है, तो उस पर इंटरकनेक्शन आ गया। इस शो की वजह से बहुत लोग का प्रॉफिट हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जिनको लोग जानते नहीं थे कि भाई ये भी एक्टर है, ये भी सिंगर है, तो वो मैदान में आए, उनको काम मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है इस शो के दौरान, मतलब एक समाज का कल्याण ही हुआ है इस शो के थ्रू। तो ऐसे शो के लिए एक वरदान है समाज के लिए। तो मैं रीटा जी को उनकी जो मेहनत है जो है उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मेरा भी उन्होंने एक एपिसोड लिया, मेरे जो चीज़ें बीती थी लोगों ने देखा, स्टडी किया, बोला कि आपके हमसे करेजमेंट आया। स्टोरी जो होती है वो लोगों को एनकरेज करती है, तो कोई हाँ ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे शो में एक अपनापन, ये अलग शो है बाकी ऑनलाइन शो से, टॉक शो से अलग है कि अपनी कहानी सुनाता है लोगों को, जिससे हम देख के इंस्पायर होते हैं। और उन लोग जो हमारे समाज में अच्छा काम करते हैं उनको एक मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं उनको कि भाई ये भी कर रहे हैं अच्छा काम। तो इट्स अ गुड कनेक्टिविटी, गुड नेटवर्क है। और आई विश रीटा ऑल द बेस्ट। इरम सेंटरटेनमेंट की तरफ से रीटा को हमेशा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर जुनेद शेख। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिट्स का शो है जो 1000 एपिसोड किया है। पहली बात है कि ये इट वाज ड्यूरिंग दी कोविड सिचुएशन जब इन्होंने स्टार्ट किया था, और उस वक्त बहुत सारे हमारे थिंकिंग चल रही थी कि कोविड के समय हम क्या करें। सो उस वक्त रिट्स ने स्टार्ट किया, और रिट्स को मैं जानता हूँ क्योंकि अनूप जी के पास मैं जाता हूँ, उनके स्टूडेंट भी है, और हम जो फिल्म फेस्टिवल करते हैं मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी रीड्स ज्वाइन की थी हमें। हम फिर वो ऑनलाइन ही कर रहे थे हम भी अनुज जी के साथ, तो उस वजह से उनसे दोस्ती हुई। और ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग बात है कि ये जो रीड्स कर रही हैं, और अभी भी ये जो आज इन्होंने किया है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए थे। और ये एक अवार्ड सेरेमनी तो है नहीं कि फिल्म फेयर की तरह या किसी और अवार्ड सेरेमनी की तरह या हमारा फिल्म फेस्टिवल जो होता है, लेकिन एक शो के लिए जहाँ पर 1000 एपिसोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल्स पे, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर सारे लोग आए हैं और हम भी एक दूसरे को अब जानने लगे हैं। सो यस, एंड लैला इज़ फ्रॉम जॉर्जिया, शी हैज़ ऑल्सो जॉइन। सो लैला आप भी बताइए अबाउट, दे वॉन्ट टू नो अबाउट द शो। यस नमस्ते, आई विश रीड्स गुड लक्स विद द हेयर शो एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग गेस्ट्स इन फ्यूचर, सो गुड लक्स। सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, और इतने अच्छे से उनने चीज़ों को वेल मैनेज किया, और मैं उनको ब्लेसिंग दूँगी कि इसी तरीके से हमेशा वो आगे बढ़े और ग्रो करे, और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करे, उनको अप्रिशिएट करे, और भगवान उनको हमेशा तरक्की दे। बोलो। मुझे तो अच्छे लगते कोई मुझे बुलाए, क्योंकि हम लोग तो पहले बोला है जो हम लोग ने शुरू से ही ना इग्नोर, जब कोई दिल से बुलाता है ना मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ रीटा दीदी को, जो हम लोग जैसे इंसान को भी उन बुला के इतना सम्मान दिए। दादा आप क्या बोलोगे? बहुत मैं बहुत खुश हूँ, दिल से दुआ। हम लोग तो और कुछ दे नहीं सकते ना। पूरे कर दिए इन्होंने, 1000 दिया, 1000 एपिसोड पूरे किए उनने। ओह माय गॉड, तो दिल से दुआ और क्या है, वो तो और बहुत आगे जा गया, क्योंकि हम लोग जैसे जो दिल से एक्सेप्ट किया वो तो पीछे नहीं हट सकते ना, भगवान है उसके साथ। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? कुशल भाई ज्वेलर्स। कुशल भैया थैंक यू सो मच। आपको मैं ये बताऊं कि काफ़ी दिन से रीटा का कॉन्टेंट मेरे से चल रहा था, और ये शो को हिट करने के लिए जो मैंने रीटा ने जो मेहनत की है, और आज आप लोग ने देखा कि सक्सेस भी हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, प्रॉब्लम मतलब उसको दुखद ही बोला जाएंगे, जो हमारे एक लेजेंड एक्टर थे, और अभी अभी कॉल आया कि उनका निधन हुआ, तो हमको शो याद है रस्ते में रुकना पड़ा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और शो तो अब हम शो का क्रेडिट किसी को नहीं देंगे, हम शो का क्रेडिट उनको देंगे, क्योंकि जो हमारे लेजेंड एक्टर है। शो मीडिया को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मीडिया को भी थैंक यू बोलता हूँ कि हमेशा मेरे साथ में खड़े ऑलवेज पुष्कर भाई, लेकिन ये मौका ऐसा है कि इसमें मैं खुशी नहीं जता सकता, ऐसे उनका भाई बोलो या कुछ भी बोलो, मैं खुशी नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो इंसान मेरे शो में आया और उनको मेरे शो में प्रॉब्लम्स हुई कोई हार्ट की, और वो अभी कॉल आया हमको कि उनका निधन हुआ, तो मैं सबको बोलता हूँ कि शो की शुभकामनाएं तो दो, लेकिन साथ में उनके लिए ब्लेसिंग भी दो कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो
शांति से जन्नत में। जी जी जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी एक छोटी सी भेंट सूरत से आई है, तो मैं चाहूँगा माँ आपके हाथ से सही भेजें। हाँ, ये है श्री लक्ष्मी यंत्र। आप ही जो है आप ग्रेस कर एक एक करके एक मीडिया एक बाजू में खड़ा अच्छा तू भी अच्छा आप दे दो पहले शूट कर लो ये शूट एक्स्ट्रा दे देना चलिए ये बजा। हाँ मैडम अनाउंसमेंट कर दिया हमने हमने कर दिया अच्छी तरह से फर्स्ट क्लास। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाइए। चलो सर मीडिया खराब भाई ये मेरा फोटो नहीं दिया ठीक है दादा ये फोटो ले भाई हम लोग का है फिल्म इंडस्ट्री के हम लोग हैं और अपना कोई चला जाता है तो ऐसे जाता है तो यकीन नहीं होता। ऑफ कोर्स फीलिंग बैड। हमारे शाहनवाज सर जो अभी थोड़े दिन पहले मुझे चायोज में मिले थे हमने खुद ही उनको इनवाइट किया था रीटा के शो में आने के लिए और इतने मन से वो आए भी थे और मुझे पता चला शायद उनकी हार्ट की सर्जरी भी हुई थी एंड जो मैंने मंजर आज देखा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला था क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ मेरे से ना खुशी ज़्यादा बयां होती ना गम ज़्यादा तो वो जो देखा ना मुझसे रहा नहीं गया और अभी पता चला कि मतलब वो हमें छोड़ के चले गए। एक शो में शो तो साइड में अभी हो करते हैं लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी पर्सनालिटी थे वो कितनी फिल्में करी उन्होंने कितने टीवी सीरियल्स करे एक जानी मानी हस्ती थे हमारे बीच से चले गए हमें बहुत तकलीफ बहुत गम है इस चीज़ का और ऐसे आंखों से देखने के बाद आपको मैं नहीं बता सकती वर्ड्स नहीं है मेरे पास सॉरी। शो हुआ अपना शो अच्छे से हो रहा था लेकिन दुखद मैसेज भी आया बीच में उसके साथ में हमने शो भी शुरू किया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में। सर टीवी इंडस्ट्री के सिंह बाद चले गए और मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने भी शो देखा और जो भी घटना घटी हमारे सामने घटी तो आप देखिए ऐसा होता है कि जो ये सब लोग फील कर रहे हैं मैं फिल्मी दुनिया से नहीं हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ तो ये जो लोग फील कर रहे हैं कोई साहब आए थे जो लीजेंड थे फिल्म इंडस्ट्री के और वो अचानक उनकी इस तरह से डेथ हुई है और इस तरह से हम सबको लेकर छोड़ के चले गए दुखी बात तो है लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे कुछ नहीं हम कह सकते और रिट्स के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो लास्ट स्टेज पर जब भी इनके शो में अगर उन्होंने शामिल हुए हैं तो ये इनको आशीर्वाद दे गए हैं ब्लेसिंग्स हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। ठीक है रिट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसमें शो के लिए बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आरडीडी शो अपने आप में पैन इंडिया नहीं ग्लोबली बहुत ही रिकॉग्नाइज शो है और ये सारा श्रेय इसकी मेहनत को और इनका जो इकोसिस्टम है लोगों के साथ रिलेशनशिप उसको जाता है। और इसके नाम पे आए लोग। अच्छा रीटा मेरा एक सवाल है पूछना नहीं चाहिए बट मैं पूछ लेता हूं कि मेरे दिन में रहा नहीं जाता जो कि आपको सपोर्ट मुंबई में सर ने तो किया ऑलवेज लेकिन जो दुख और दर्द वीरम ने जो सपोर्ट करके तुम्हारा साथ दिया क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी अरे मैम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और ये मेरी बड़ी सिस्टर है और आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और साथ में अगर संजय अंकल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है वो हमेशा मेरे साथ रहे और भाई आप भी और सर पुष्पेंद्र सर ये सभी जितने भी है सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया और आज दुख की बात भी है सर हमारे बीच नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। सर थोड़ा एक मेरा छोटा और एक सवाल है कि सर ने जैसे जिस तरह का मैं बॉलीवुड से की तो मैं चाहता हूँ कि पूरी मीडिया को सर के बारे में एक बार इंट्रोड्यूशन करा। जी जी प्लीज़ सर मैं खुद इंट्रोड्यूस कराता हूँ सर। मैं माई नेम इज़ डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आई एम द कंट्री हेड फॉर लैटिन अमेरिकन शिपिंग कंपनी नेम इज एशिया शिपिंग वी आर अमंग टॉप 30 कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। दिस इज माई प्रोफेशनल इंट्रो विच आई एम शेयरिंग विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज बाई सो मेनी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑल्सो एंड गॉट बीन अवॉर्डेड आई हैव बीन अवॉर्डेड बाई भारतश्री अवार्ड भारतश्री सम्मान अवार्ड एंड देन मेंटर ऑफ द ईयर आचार्य ऑफ द ईयर अवार्ड। So basically, apart from my you know professional journey, I support to you know society causes, and that I do across India, and wherever there is a problem, I am there actually. So that's how I do. Sir, ये रीटा का पहला ही शो था आपने सपोर्ट किया लड़की की तरह आपने आशीर्वाद भी दिया उसको
शो तो होंगे आगे भी, आगे किस तरह का सपोर्ट रहेगा उसका? मेरा रीटा के आरडीडी शो को अनकंडीशनल सपोर्ट है और इस बार कम किया है, अगली बार ज़्यादा होगा और इससे अच्छा शो होगा, मैं कमिटमेंट देता हूँ आपको। मैं कहती हूँ ये शो में जो सब कुछ हमने दुख हंसी गम एंटरटेनमेंट सब देख लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि रीटा के थ्रू मैं सर से मिली, पुष्पेंद्र सर से, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी से। जी जी, और मैं चाहूँगी कि मैं मतलब शो से जुड़े हुए हैं और रीटा के थ्रू जो मतलब आप सोचिए एक लड़की शिमला से आती है और उसके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी हस्ती आ जाए तो इस बच्ची पे कितना दम है, बहुत दम है। तो वी शुड अप्रिशिएट हर टैलेंट एंड लोगों से लोगों को जोड़ा है और सच में एक बात सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो इस शो का थीम था। एंड आई रियली प्रे फॉर शाहनवाज सर, हमारे सिंधबाद जो थे उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बस इतना बोलूँगी। मैं उनको जानता नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ और सीरियसली मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे बहुत ही बैड फील हो रहा है ऐसे कोई भी हमारे बीच में चले गए। और जैसे मैं पहले का ईश्वर की आत्मा को शांति दें और शीर्षणों में अपना जगह दें, उसके अलावा भी सभी जितने भी लोग हैं उनके जो प्यार करने वाले उनकी फैमिली उन सबको शक्ति दें कि इस कठिनाई की घड़ी में इस जो प्रॉब्लम आई है उसके बीच में वो लोग सब उसको सहन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, ये कम प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये मीडिया बैठ खत्म नहीं हो सकती इस बात के बगैर किसके, मुंबई रफ्तार शैलेश पटेल जी के बगैर ये कंप्लीट नहीं हो सकता था। शैलेश भाई प्लीज़ एक मिनट आ जाइए, मैं बुलाना चाहूँगी क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट था, उन्होंने भाग दौड़ जो करी तब से आई थी और मैं तो थी, मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट था मैं तो कहूँगी शैलेश भाई ने बहुत दिल खोल के सपोर्ट किया। एंड मीडिया ऐसी अच्छी अच्छी मीडिया अगर जुड़ी रहे लोगों के साथ तो हम जैसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता है ना। तो थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू मुंबई रफ्तार और आरटीडी शो। हमें शो बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत कि जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका बहुत बहुत। और अभियान सेवा संस्थान की फाउंडर, अभी आने वाले टाइम में हम एक शासन प्रशासन का वॉर्डर बनते हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि गीता जी की तरह, और ये बिल्कुल सच है कि कभी भी हार नहीं होती चलने वाले की, और ये बात उनके बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि जब मैं चली थी अभियान सेवा संस्थान के लिए तो मैं बिल्कुल अकेली थी, बट फिर कहते हैं ना चलते गए और कारवां जुड़ता गया, तो आज कम से कम 3,28 लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच यामिन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच रीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अभियान को ये रिस्पेक्ट दी, थैंक यू। शो जो है वो अच्छा रहा, बट थोड़ी सी कहते हैं ना कि जीना इसी तरह में ऐसी चीज जो है यहाँ पर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल जोशी, मैं एक फैशन और सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ और रीटा जो भी प्रयास कर रही है उसको बहुत बहुत जो है वो मैं आभार देना चाहूँगा, अभिनंदन है हमारा और इसी तरह आगे बढ़ती रहे, हमारी सबकी जो है वो दुआएं उनके साथ है। स्पेशली आज डी खुशाल भाई ज्वेलर्स जो सूरत में है, उनके ओनर हैं मिस्टर दीपक भाई चौकसी, उनको कहीं जाना था इसलिए वो आ नहीं पाए, तो मैं उनके बिहाफ में कहूँगा कि आज के जितने भी सर्टिफिकेशन थे वो सारे के सारे उन्होंने स्पॉन्सर किए थे, सारी मीडिया को जो है उन्होंने प्रेजेंट भी भिजवाई है और बहुत सारी ऐसी जो है जगह पे वो खुद स्पॉन्सर करते हैं और मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्पेशली गोल्ड प्लेटेड सर्टिफिकेट्स स्पॉन्सर किए हैं। और इसी तरह से अलग अलग शोज चलते रहे, इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता रहे, हम सब लोग जो है वो मिलकर काम करते रहे, मीडिया का हमारा हमें सपोर्ट रहे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सच में मीडिया का आज कि इतना हम लोगों को सपोर्ट किया है, और इसी तरह से जो है साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया आगे करते रहे, यही मेरी